दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए और प्यारे से प्रॉपर्टी वीडियो में। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इतनी प्यारी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ कि आपका भाई साहब दिल विल सब कुछ खुश होने वाला है, क्योंकि 20x50 में इस तरह की प्रॉपर्टी ना आपने देखी होगी और ना आप आइडिया लगा सकते होगी। यार इस तरह से भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस घर को, और 111 गज में इतनी प्यारी और इतनी स्पेशियस कैसे क्या आप बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बार आप इसका सिनेमेटिक देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्रोन व्यू। तो देखिए ये है इस हाउस का फ्रंट एलिवेशन, 20 का इसका फ्रंट है हाउस का, 50 की इसकी डेप्थ है, 20x50 की डायमेंशन में ये खूबसूरत सा हाउस जिसका अभी हम कंप्लीट टूर करेंगे। एक बार यहाँ पे ऊपर बालकनी की तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत काम किया हुआ है, साइड में आयरन वर्क है, और यहाँ पर जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसमें देख सकते हैं आप ग्रेनाइट का काम किया गया है, बढ़िया सा यहाँ पर आयरन में तैयार किया हुआ आपका मेन गेट डिज़ाइन एक बार देखिए आप। और सामने की तरफ जो हाउस बने हुए हैं आसपास वो भी एक बार देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छे अच्छे घर यहाँ पे बने हुए हैं। और अब आ जाइए आप यहाँ पे पार्किंग एरिया की तरफ, तो देखिए पार्किंग एरिया इतना है सफिशिएंट कि एक कार आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और साइड में इसका किचन है जो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं विंडो वगैरह किचन की। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो लाइटिंग का काम है खूबसूरत सा, और साइड वॉल पर ट्रावलर वर्क किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट का काम है। और हाउस का जो मेन डोर है वो कुछ इस तरह की फिनिशिंग के साथ में है, डिज़ाइन एक बार देखिए आप यहाँ से। और अब आ जाइए डायरेक्ट यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ, देखिए सामने की तरफ सोफ़ा अरेंज किया हुआ है, और सोफ़ा के जो बैक साइड में वॉल है उसमें आपको वुडन का काम मिल जाएगा, लाइटिंग का भी खूबसूरत सा यहाँ पे काम है। एसी ऑलरेडी आपकी लगाई हुई है, सेंटर टेबल यहाँ पे है, कलर कॉम्बिनेशन देख ही सकते हैं आप किस तरीके के हैं। अब देखिए सामने की तरफ है आपका डाइनिंग एरिया 6 सीटर, और इसमें जो सीलिंग डिज़ाइन है वो देखिए कितनी प्यारी है, लाइटिंग का काम बहुत अच्छा है पूरे ही घर में। और इसका जो लेआउट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का ईस्ट फेसिंग का ये हाउस है जिसमें कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे बैक साइड में एक बेडरूम है, अटैच बाथरूम है, और यहाँ पे एक पाउडर रूम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किचन को, और यहाँ से डाइनिंग एरिया के साइड में आप देखते हैं तो स्टेयर्स का पोर्शन है, नीचे की तरफ पूरा वुडन का काम है, कुछ आर्टिफिशियल आइटम्स यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे दिया है वॉश बेसिन एरिया, साइड में है एलईडी पैनल। ये घर आपको मिलने वाला है फुली फर्निश्ड जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, सेम एजिट मिलने वाला है। यहाँ से एक बार डाइनिंग एरिया की तरफ से ऊपर का जो लुक है वो देख लीजिए किस तरीके का है, ऊपर बड़ा सा सेंडलेयर लगा हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे किचन का लुक, तो भाई साहब जो किचन का एंट्रेंस है उससे इतना खूबसूरत बनाया हुआ है आप देख ही सकते हैं, वुडन का काम है पूरा, और बीच में कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं फ्लावर। और ये है किचन, किचन में देखिए एल शेप में आपका काउंटर टॉप है, साइड में यहाँ देखेंगे तो डबल सिंक यहाँ पे है, सेरा की आपकी फिटिंग है, और ऊपर की तरफ दिए है कैबिनेट, ये देखिए साइड में यहाँ पे देखेंगे आप तो ग्लास के साथ में हाइड्रोलिक कैबिनेट है, और इस साइड में आपकी चिमनी है, नीचे की तरफ बर्नर है, जो ड्रॉवर्स है वो देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ में है, सामने की तरफ एक फिक्स ग्लास है कॉर्नर में, और साइड में दी है विंडो।
किचन में भी एक बार आप सीलिंग डिजाइन देख लीजिए। अब देखिए, आप चाहे घर परचेज करना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो पसंद आपको अगर आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए जो पाउडर रूम है वो, अब हम मूव करते हैं बेडरूम की तरफ। और बेडरूम का जो कलर है, जो कलर थीम दी है आपकी वार्डरोब की माइका हो, चाहे बेड के पीछे का जो हेड की तरफ का वर्क हो, सभी जगह यूनिक काम है। किंग साइज का बेड है और यहाँ पे आप वॉल देखेंगे तो पूरी आपको डिजाइनर लुक के साथ में मिलेगी लाइटिंग वगैरह। और जो वार्डरोब है वो आपकी पूरी सीलिंग की जो हाइट है वहाँ तक तैयार की हुई है। देख सकते हैं आप स्टोरेज के लिए जो जगह है इनमें वो। तो इस घर में आपको स्टोरेज की भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ देखेंगे आप तो मिरर लगा हुआ है, नीचे की तरफ भी स्टोरेज के लिए ड्रॉवर दिया है। और बेड के सामने की तरफ है एलईडी पैनल, साइड में यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आपका यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर दिया है। सीलिंग डिजाइन देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो अटैच आपका बाथरूम है वो। इसमें दी है वेस्टर्न सीट, कॉर्नर में वॉश बेसिन एरिया। तो ये हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ से एक बार आप लुक देखिए सामने की तरफ का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से हम चलने वाले हैं ऊपर के फ्लोर पे। और जब चलते हैं ऊपर तो सबसे पहले आप स्टेयर्स में देखिए, यहाँ पे वुडन, आयरन और ग्लास का काम है। और ये जो रेलिंग है ये हमेशा ही बहुत ही आपके घर को सुंदर बना देती है। अब ये पूरा का पूरा आपका ग्रेनाइट का काम है इनमें। साइड वॉल पे देखेंगे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ लाइटिंग का काम है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं आपके फर्स्ट फ्लोर के लॉबी एरिया में। और इसमें भी आप देखते हैं वॉल पे तो वुडन के साथ में बहुत ही सुंदर डिजाइंस दी हुई है। यहाँ भी कुछ सीटिंग अरेंजमेंट आप करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। एक बार ऊपर की जो डिजाइंस है सीलिंग की वो देखते हुए आइए आप सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में आप देखेंगे तो बेड के जो हेड की तरफ का काम है वो बहुत यूनिक है। साइड में साइड टेबल, मिरर का काम है। साइड में अरेंज की है एक आपके लिए, देखिए टेबल ड्रॉवर्स के साथ में, लाइटिंग वगैरह देख लीजिए। और यहाँ भी बेड के सामने की तरफ एलईडी पैनल, कर्टेन वगैरह भी पूरे प्रॉपर है। और यहाँ भी साइड में देखिए जगह है। और इसका जो बाथरूम है वो आपको मिलने वाला है ड्रेसिंग के साथ में। टाइल्स प्रॉपर है। और यहाँ सामने की तरफ मिरर एरिया, साइड में स्टोरेज के लिए जगह। देखिए 20x50 की डायमेंशन के जो हाउस है यहाँ पे, अभी मैं बात करूँ वैशाली के आसपास तो मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो प्लॉट्स की साइज होती है ये बहुत आपको ढूंढना पड़ेगा तब जाके कहीं ऐसी साइज मिलती है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंगल केवल एक यूनिट ये है जो अवेलेबल है, एक ही यूनिट यहाँ पे ये बनाई हुई है। और यहाँ भी देख लीजिए एक बार किस तरीके का फर्नीचर वर्क है। हर रूम में आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप का काम मिलेगा और यूनिक काम मिलेगा। सीलिंग डिजाइन देखते हुए सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी प्लेटफॉर्म एक तैयार किया है। एलईडी आप लगाना चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, बाकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है घरों में कि हर रूम में ही एलईडी लगाएं। ये बात जो बाथरूम है ये भी आपको देखिए ड्रेसिंग के साथ में मिल रहा है। एक बार देख लीजिए बाथरूम का लुक। सामने की तरफ मिरर एरिया, साइड में वार्डरोब। और अब हम चलेंगे आपके बालकनी एरिया की तरफ। यहाँ भी देखिए स्लाइडिंग डोर्स है यूपीवीसी में। जो बालकनी है उसमें आपको
वुडन कलर के साथ में टाइल्स दी हुई है। ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो पीवीसी में ही काम है, वो भी वुडन थीम के साथ में है। यहाँ पे कुछ लाइटिंग का काम है, बाकी रेलिंग वगैरह आप सामने देख ही सकते हैं। यहाँ से भी एक बार देख लीजिए आप आसपास का जो व्यू है वो किस तरीके का है। और अब हम चलने वाले हैं आपके सेकंड फ्लोर की तरफ, तो यहाँ से भी एक बार लुक देखते हुए आप आइए ऊपर की तरफ। आप अगर जयपुर शहर में इंडिविजुअल हाउस या फ्लैट सर्च कर रहे हैं वैशाली, मानसरोवर, जगतपुरा, कालवाड़ रोड की तरफ, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए जो छत है सामने की तरफ, रूफ टॉप आपके गार्डन एरिया के रूप में वहाँ पर डेवलप की हुई है। पीछे का जो टेरेस है वो आपको ओपन मिलने वाला है, और यहाँ पे एक छोटा रूम और बाथरूम है। ये देखिए छत पे प्रॉपर यहाँ पे टाइल्स लगाई हुई है। साइड में आपका जो कटआउट था यूटिलिटी एरिया की तरफ वो है, और यहाँ एक सीढ़ी दी हुई है। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटा एरिया है, चाहे तो आप एज ए रूम यूज कर सकते हैं या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं जैसे आपकी नीड हो। यहाँ पे बाथरूम है, और जो सामने का एरिया है उसमें देखिए आर्टिफिशियल जो ग्रास है वो यहाँ पे लगाई हुई है। कुछ सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है, साइड में छोटे यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं। और ये जो एरिया है ये बड़ा खूबसूरत है, आपका जो एलिवेशन है फ्रंट का उसको भी सुंदर बनाता है। और यहाँ पे आप बैठते हैं तो भी यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील होता है, अच्छा लगता है। सामने से पूरा कवर किया हुआ है यहाँ से आयरन से। तो ये था एक 111 गज का हाउस जो कि 20x50 की डायमेंशन में बना हुआ। इसकी जो रेट है वो है 1.25 CR। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किए हुए हैं। आपको कुछ और भी इसकी डिटेल चाहिए वो आप वहां से ले सकते हैं। और आप अगर कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो भी आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और बाकी पसंद आया आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और नए प्रॉपर्टी के वीडियो के साथ में। थैंक यू।